इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर नई वैकेंसी आ गई है, कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, आप कब से कब तक डेट है, कब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, आप फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसी सारे ऐसे सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तो बहुत सुनी होगी, पर आपको पता नहीं है कि कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईबी के अंदर एक बहुत बेहतरीन पद के ऊपर वैकेंसी निकली है, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आईबी में जियो और टेक की, मतलब टेक्निकल की वैकेंसी आई है। ये जनरली सर्विस ग्रुप सी की है, नॉन गेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पे लेवल 4 के अंदर है, जिसे 25,500 से लेकर 81,100 आपका पे जो है वेतन रहेगा। अब इसके अंदर जो अलाउंसेस है वो अलाउंसेस मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें पोस्टों की, तो पोस्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा 797 पोस्ट हैं, जिसकी कि आप देखिए, जनरल की 325, ईडब्ल्यूएस 79, ओबीसी 215, एससी 119 और एसटी में 59, टोटल 797 इतनी वैकेंसीज हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल की वैकेंसी है, तो टेक्निकल के अंदर आपके पास जो है डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। अब आपको बैचलर ऑफ डिग्री भी है, जिसमें साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि एज रिलेशन क्या रहेगा, कितना छूट रहेगा, क्या एज मिलेगी, तो ये 18 से लेकर 27 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज रिलेशन दिया जाता है 5 वर्ष और 3 वर्ष का, वो भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आप कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म कौन सी साइट से फिलअप करेंगे, तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका जो है फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, किस प्रकार से करना है, तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा कि आप जो है www.mha.gov.in पर जा सकते हैं आप अप्लाई करने के लिए, या फिर इसकी दूसरी वेबसाइट है www.nic.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये 3/6/2023 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी जो है 23/6/2023 रहेगी। तो दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है आपके पास आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भर्ती होने का, तो बेफिक्र जाकर आप इसका दे सकते हैं। और इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, तो आप जाकर वेबसाइट पर जाकर पूरा डिटेल चेक कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपना फुल एफर्ट लगाइएगा, जिससे कि आपको ये जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इसके वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली जल्द से जल्द आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो पर डीएम कीजिएगा, डेफिनेटली जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।